हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे YouTube चैनल वेमुरी मूर्ति हिंदी टू तेलुगु स्पोकन क्लासेस में स्वागत है, दिल के साथ स्वागत है। दोस्तों आई होप आप सबको कल का वीडियो जरूर अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि मैंने उसमें कितने अच्छी तरह से आप लोगों को ल और अड़ा के ऊपर में जो अंतर है वो आप लोगों को सिखाया था। दोस्तों आज जो मैं वाक्य बोलने जा रहा हूँ, जो हिंदी के माध्यम से तेलुगु आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ, उसमें भी ल और ल है। दोस्तों आप लोगों को ध्यान से सुनना है, फिर उसे समझना है, ठीक है। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप इसे लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों जो भी मेरे वीडियो में नए आए हैं प्लीज आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपको और कुछ नए वीडियोस चाहिए या कुछ सीखना है, अगर आप बिगनर्स हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप चाहो तो नीचे से देख सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले मैंने बिगनर्स के लिए ही वीडियोस बनाए हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम अपने वीडियो को चालू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम बोलने जाएंगे पीछे देखो। क्या बोलेंगे? पीछे देखो। वेनु ककु चूरू, वेनु ककु मतलब पीछे देखो, वेनु ककु चूरू। दोस्तों ये जो वर्ड आपको बोल रहा हूँ ना वेनु ककु, आप हम नॉर्मली बोल सकते हैं वेनक चूड़ू वेनकाल चूड़ू, ये नॉर्मल शब्द है दोस्तों, जो हम रोजाना घर में बातें करते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं। ये जो वेनुका को चूड़ू जो शब्द बोल रहा हूँ वो साहित्यिक भाषा है, आप चाहेंगे तो वेनक चूड़ू भी बोल सकते हैं, वेनक काला चूड़ू भी बोल सकते हैं, वेनक काला वो भी हो सकता है। जल्दी आओ जल्दी आओ, त्वरगारा जल्दी आइए, त्वरगा रंडी जल्दी आइए, त्वरगा रंडी जल्दी आओ, त्वरगा रा भूलना मत, मरचिपोवद्दू भूलना मत, मरचिपोवद्दू 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 भूलना मत, वक्त बताएगा समयमें चौतुंदी समयमें चिपतुंदी समयमें चिपतुंदी, ऐसे भी होगा दोस्तों, चिपतुंदी भी होता है। अगर स्पीडली और क्लियरली बोलना है समयमें चिपतुंदी, क्या बोलेंगे? समयमें चिपतुंदी बोलते हैं ना, वक्त बताएगा। मुझे दो नाकु इवु, दो इवु मुझे, नाकु इवु मतलब मुझे दो। मुस्कुराते ही रहो मुस्कुराते ही रहो, नवतुने उंडु मुस्कुराते ही रहिए, नवतुने उंडंडी मुस्कुराते ही रहो, नवतुने उंडु मुस्कुराते ही रहिए, नवतुने उंडंडी। क्यों नहीं क्यों नहीं, यंदुकु कादु यंदुकु क्यों नहीं, कादु यंदुकु कादु क्यों नहीं। दोस्तों हम जो शब्द बोल रहे हैं आपको समझ में आ रहा है मैं किस प्रकार से उच्चारण कर रहा हूँ और मैं किस प्रकार से मेरे भाव को प्रकट कर रहा हूँ। दोस्तों ये रोजाना जो बातें होती रहती हैं, लगभग सभी घरों में ये सब होते रहते हैं, कभी आप कभी मेरे से हुआ, कभी उनसे हुआ, कभी इनसे हुआ, किसी से भी, मतलब ये शब्दों को प्रयोग किया जाता है, करते हैं कि नहीं, इसी हिसाब से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जो छोटे छोटे जो शब्द होते हैं, दो दो शब्द मिलाकर छोटे वाक्य बनते हैं, छोटे वाक्य समझ सकते हैं इसे, तो मैं चाहता हूँ वो भी आप जाने। तुम बदल गए हो, तू बदल गया है, नुव्वु मारिपोयावु तू बदल गया है, नुव्वु मारिपोयावु आप बदल गए हैं, आप बदल गए हैं, आप मीरु मारिपोयारु मारिपोयारु बदल गए हैं मतलब मारिपोयारु, कैसे बोलेंगे? मारिपोयारु। मुझे सच बताओ मुझे सच बताओ, नाकु निजम चेप्पु मुझे, नाकु सच निजम, सच को दोस्तों निजम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? निजम चेप्पु बोलो। अगर हम
किसी बड़े आदमी को बोलेंगे, बड़े आदमी को, उम्र में बड़े होंगे, हो सकता है उनसे भी गलतियां होती है, बड़े हैं मतलब क्या गलतियां नहीं होती है क्या? बाहर के लोग जो होते हैं उल्टा पुल्टा कुछ हमसे बिना पूछे कुछ सामान ले जाएंगे, कुछ करते रहेंगे, हम उनसे पूछेंगे निजन चप्पू ये तीसुकना हो, ये तीसुकना हो, सच बोलो क्या लिए हो, ये तीसुकना हो क्या लिए हैं, निजन चप्पंडी सच बताइए ये तीसुकना हो क्या लिए हैं। गाड़ी सावधानी से चलाओ, दोस्तों हम गाड़ी सावधानी से चलाओ उसे कैसे बोलते हैं आपको मैं बताता हूँ। गाड़ी मतलब बंडी, गाड़ी मतलब बंडी, सावधानी से जागृतगा, कैसे जागृतगा, चलाओ नडपू। अगर हमसे कोई बड़े होंगे तो हम चलाओ की जगह बोलेंगे नडपंडी, क्या बोलेंगे नडपंडी, बंडी जागृतगा नडपंडी। अगर छोटा होगा तो हम क्या बोलेंगे बंडी जागृतगा नडपू। आजकल जानते हैं दोस्तों हमारे घर में छोटे भाई होते हैं जो कॉलेज में जाते रहते हैं ना, जाते हैं कि मतलब अपनी गाड़ियों जो बाइक होती है ना पर हवा में उड़ाते हैं, तो उसी जगह हम बोल पाएंगे बंडी जागृतगा नडपू, गाड़ी ध्यान से चलाओ नहीं तो चला। वो आप डिपेंड है दोस्तों, आप अपने भाई के या बहन के साथ कैसे बातें करते हैं। लड़कियां बहुत स्पीड स्कूटी चलाती हैं, चलाती हैं कि नहीं, लड़कियां भी चलाती हैं। आप अपनी बहनों भी बोल सकते हैं कि बंडी जागृतगा नडपू, हमारे साथ आइए, माँ तो रंडी, माँ तो हमारे साथ मतलब माँ तो बोलते हैं, माँ तो रंडी हमारे साथ आइए। दोस्तों मैं जो तेलुगु के जो शब्द बोल रहा हूँ मैं पूरे साहित्यिक भाषा में नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको तेलुगु भाषा सिखा रहा हूँ जो कि हम सामान्यतः सभी लोगों से बात करते हैं, नॉर्मली बात करते हैं, जैसे हम हिंदी में आप लोगों से मैं कैसे बात कर रहा हूँ, देखिए मैं सिंपली बात कर रहा हूँ, लेकिन साहित्यिक भाषा में आप लोगों से बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। देख रहे हैं ना, आप सुन रहे हैं ना, उसी हिसाब से मैं आपको, आप जैसे सीख पाएंगे उसी हिसाब से आसान शब्दों में आप लोगों को मैं सिखाता हूँ जो कि आप दूसरों से आराम से बात कर पाएंगे। तो दोस्तों ये जो वीडियो है आप हमेशा पूरा देखिएगा, आप पूरा देखने से ही बहुत जल्दी सीख पाएंगे और अपने दोस्तों या अपने आस पड़ोस में जो तेलुगु लोग होते हैं उनसे आप बात कर पाएंगे। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, उसे बुखार हुआ तो क्या हुआ, बोलते हैं ना उसे बुखार हुआ तो क्या हुआ, चलो पैसे दो, वो गिर गया तो क्या हुआ, कौन बोलते हैं ऐसे सब, आपको मालूम है जिसमें दया नहीं होता है, जिसमें क्षमा की भावना नहीं होती है वो लोग ऐसे शब्द ज्यादा बोलते हैं, क्योंकि उन लोगों को दूसरे का दुख और दर्द के बारे में मालूम नहीं होता है, वो लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग ज्यादा करते हैं क्योंकि वो स्वार्थी होते हैं। स्वार्थी लोग क्या करते हैं दोस्तों, वो बस अपना ही स्वार्थ देखते हैं दोस्तों, समझ रहे हैं ना, दूसरा कोई मरता है तो मरते छोड़ देते हैं, गड्ढा में गिरा है तो वहीं पे छोड़ देते हैं, लेकिन उसे उठाने के लिए उसे सहायता करने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। देखते हैं दोस्तों, इसीलिए मैं आप लोगों को ये वाक्य बोल रहा हूँ कि ये शब्द हमें ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए और दूसरों के जो दूसरे होते हैं उनकी मुसीबतों को हमें समझना चाहिए और उनकी सहायता करनी चाहिए, समझ रहे हैं दोस्तों। तो क्या हुआ आईते या वाइंदी। तो दोस्तों फिलहाल हम लोगों ने तो अभी दो दो तीन तीन छोटे छोटे शब्दों को लेकर एक वाक्य बनाया है, अभी हम दो तीन वाक्य बनाते हैं थोड़े लंबे मतलब चार पांच, क्योंकि हमें थोड़ा अच्छा भी सीखना है ना दोस्तों, अगर हम छोटे छोटे शब्दों को सीखते रहेंगे ना हम छोटे छोटे होते जाएंगे, अगर हम थोड़े छोटे से थोड़े बड़े बड़े करते रहेंगे ना और हम अच्छी तरह से आगे बढ़ पाएंगे, अभ्यास कर पाएंगे और आपस में बातें करते रहेंगे। दोस्तों मैं जो आपको वीडियो में बता रहा हूँ आप प्लीज घर में अभ्यास कीजिएगा, जाने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ जो शब्द लिखा हूँ ना ये सब आपके लिए है, मालूम है, इन शब्दों को अच्छे से पढ़िएगा समझिएगा और अभ्यास कीजिएगा। मुझे तुमसे कुछ काम है, मुझे तुमसे कुछ काम है, मुझे नाकू तुमसे नीतू, अगर वहाँ पे तुमसे की जगह में आप से भी बोल सकते हैं, आप लगेगा तो वहाँ पे मी लगता है, मीतू, मुझे आपसे कुछ काम है, नाकू मीतू कुंचुम पनुंदी कुंचुम, मुझे तुमसे कुछ काम है, नाकू मीतू कुंचुम पनुंदी। आप देख रहे हैं ना दोस्तों वहाँ नीतो और नीतो में कितना फर्क है, नीतो मतलब तुझसे कुछ काम है, मीतो मतलब आपसे कुछ काम है। समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश कर, समझने की कोशिश करिए,
समझने की कोशिश कर अर्थन चेसुकोवडानिकि की प्रयत्निंचु। मुझे समझने की कोशिश करो, मुझे समझने की कोशिश करिए, मुझे समझने की कोशिश कर, मुझे समझने की कोशिश नहीं करेंगे, मुझे समझने की कोशिश नहीं करेंगे। दोस्तों ये जो चार वाक्य हैं इसे हम कैसे बोलेंगे? नन्नो अर्थं चेसुकोवडानिकि प्रयत्निंचुवा, नन्नो अर्थं चेसुकोवडानिकि प्रयत्निंचुवा, मुझे समझने की कोशिश नहीं करेगा या नहीं करोगे? अगर वहां पे बड़े रहेंगे तो क्या करेंगे? मीरु नन्नो अर्थं चेसुकोवडानिकि प्रयत्निंचरा, मीरु नन्नो आप मुझे समझने की अर्थं चेसुकोवडानिकि कोशिश नहीं करेंगे, प्रयत्निंचरा। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों ने मैंने किस प्रकार से जितने सारे वाक्य आप लोगों को मैंने बताया, समझाया और सिखाया, किस प्रकार से मेरी भावनाओं को आपके सामने दिखाया, ये जागृत किया, तो आप उसी प्रकार दोस्तों घर में इन शब्दों को आप अभ्यास कीजिए तो आप बहुत जल्दी तेलुगु भाषा सीख जाएंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को बहुत कुछ सिखाऊंगा दोस्तों, थोड़ा भी नहीं, बहुत कुछ जो कि आपने कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि मैं एक एक दो दो शब्द से ही भंडार लेके आपके सामने आता हूँ ना, उसी प्रकार मेरे दिमाग में पूरा भंडार भरा हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, अभी मैं आप लोगों से विदा लेने का समय हो चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जो बेल बटन है उसे जरूर दबाइएगा। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों से मैं लेता हूँ विदा, नमस्कार।